नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल साधक परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। आज गुजरात राज्य के वापी शहर के अंदर विश्व हिंदू परिषद द्वारा संत आसाराम जी बापू प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। हम वही आज साकार होते हुए विश्व हिंदू परिषद के रूप में हमारे समक्ष है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा सांस लेंगे। दुनिया की हर बुराइयों से आपके बच्चे बचे। मेरा नाम मिश रश्मिका एन मेहता है, मैं एडवोकेट और नोटरी पब्लिक हूँ। आज 12 फरवरी के दिन विश्व हिंदू परिषद तथा योग वेदान समिति के द्वारा मातृपितृ पूजन का आयोजन किया था। बहुत ही सुंदर आयोजन था और मुझे लगता है कि वापी में फर्स्ट टाइम ऐसा पूजन हुआ है। और ये पूजन देख के मुझे लगता है कि हमारी वापी की अनेक स्कूलों में जो ऐसा पूजन होएगा तो हम हमारा बच्चों में अच्छा संस्कार दे सकते हैं। क्योंकि माता पिता का पूजन से हमको एक धन मिलता है, हमको एक शक्ति मिलती है, हमारा आयु बढ़ता है और हम समाज में प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं। क्योंकि भगवान को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि भगवान जो हमारे घर में है वो ही हमारे माता पिता है और हम उसकी जो पूजा करेंगे तो खरेखर हमारी भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत संत आसाराम जी बापू ने की थी, क्या कहोगे? हाँ, इसकी शुरुआत संत आसाराम बापू जी ने की थी, आज ही मैंने सुना है। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी धर्म होएगा, जब हमारी भारतीय संस्कृति का जो अच्छा संस्कार है तो हर एक स्कूल में हर एक लोग में उसका प्रस्ताव करना जरूरी है। हम श्री पंच जूना अखाड़ा से संन्यास की दीक्षा लिए हुए हैं। हमारे गुरुजी का नाम है अखंडानंद सरस्वती महाराज और हमारा नाम है जयानंद सरस्वती महाराज। आज जो ये मातृ पितृ पूजन की शुरुआत हुई थी, संत आसाराम जी बापू ने उनकी शुरुआत की थी, तो क्या कहोगे उसके विषय? हमारी भारतीय संस्कृति है माता पिता का पूजन करना और वही संस्कृति पे हम आगे बढ़े तो हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। और हम संत होके यही आशा रखेंगे हर भारतवासियों से कि ये हर घर में होना चाहिए। सिर्फ आज के दिन नहीं, सिर्फ 14 फरवरी को नहीं, हर रोज ये मातृ पितृ पूजन होना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति आगे बढ़े, उसका जतन हो और हम उसका लाभ ले सके। जैसे आज ये संस्थाओं ने यहाँ किया तो और संस्थाओं को क्या आह्वान करना चाहोगे? बस यही कहेंगे कि हम भारतीय है और हमें गर्व है कि हम भारतीय है, हम हिंदू है, तो यही कहेंगे कि ये हर घर में हर रोज होना चाहिए। हर संस्था, हर धर्म इस संस्कृति को उजागर करे, इस संस्कृति का आवाहन करे और इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। मेरा नाम ज्योति प्रजापति है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, सिलवासा रहती हूँ, लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ, काफी लोग इकट्ठा हुए थे। मैं तो कहूँगी कि ये तो बहुत पहले ही चालू हो जाना चाहिए था ताकि अपनी संस्कृति और ज्यादा ना बिगड़े। और मैं चाहूँगी कि हर साल अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले, मैं ऐसी इच्छा करती हूँ। मेरा नाम प्रजापति उर्मी है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं दमन से आई हूँ। आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा और इसी तरह हमें पाश्चात्य संस्कृति को भूलकर मातृपितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। आज ये मातृपितृ पूजन हुआ वापी के अंदर और तकरीबन 10-12 साल से बापू का ये संकल्प था कि जो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है उसके अगेंस्ट में, उसके सामने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ये मातृपितृ पूजन का उन्होंने एक संकल्प किया। और शुरू में हमको लगता था कि ये प्रोग्राम इतना मतलब जोर नहीं पकड़े लगा, लेकिन आज 10 साल से हम देख रहे हैं कि खाली गांव-गांव नहीं, शहरों में
और दूसरी बात तो ये है कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी आज ये प्रोग्राम का सपोर्ट मिलने लगा है, वो सबसे बड़ी बात है। राष्ट्रपति तक भी उन्होंने बताया कि ये सही प्रोग्राम है और ऐसा करना चाहिए बादरी संस्कृति को बचाने के लिए, और इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रयोग कोई नहीं है। कितने भी लेक्चर करो कुछ करो, लेकिन आज जितने भी लोग जो नहीं मानते मानते हैं एक बार ये प्रोग्राम को देखते हैं तो उनके आँखों में अवश्य उनके माँ बाप है तो, और उनके माँ बाप का शरीर नहीं है तो भी वो इतने हृदय से मिलते हैं और उनके आँखों में आनंद के या प्रेम के दो आंसू आना एक अनिवार्य हो जाता है। विश्व वंदनीय पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से विश्व भर में मनाया जाने वाला मातृ पितृ पूजन दिवस आज 14 फरवरी के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद का एक सद्भाव और हमारे श्री योग वेदांत सेवा समिति के संयुक्त सहयोग से आज इस मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, ताकि बच्चे अपने मम्मी पापा का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। वापी में कितनी जगहों पे मतलब वापी में 100 से भी अधिक स्कूलों में वापी, दमण जो केंद्र शासित प्रदेश है, और सिलवासा, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर 100 से भी अधिक स्कूलों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं, और इसके अलावा आगामी 14 तारीख तक इससे भी अधिक स्कूलों का नियोजन है, और सभी विद्यालयों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लगभग 5,000 से 10,000, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे 5,000 विद्यार्थी रहते हैं जो अपने माता पिता का पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है संत आसाराम जी बापू का ये पूजन करवाने के पीछे? भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और बच्चों को एक ऐसा संस्कार मिले कि भारत फिर से विश्व गुरु पद पर आसीन हो सके, ऐसा उद्देश्य लेकर गुरुदेव ने यह अभियान चालू किया, ताकि हमारे भारत में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता ना पड़े। हमारे देश के बच्चे अपने माता पिता का आदर करके, सम्मान करके अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखें और अपने ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें, ऐसा गुरुदेव का संकल्प। आपने देखा आज गुजरात राज्य के वापी शहर के अंदर विश्व हिंदू परिषद द्वारा संत आसाराम जी बापू प्रेरित मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमने देखा काफ़ी भारी संख्याओं में माता पिता और बच्चों ने इसका लाभ लिया। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, वापी शहर से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए।